हाय विवर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की वीडियो ऑयली स्किन के बारे में है, स्पेशली फॉर बॉयज। और आज मेरी पूरी वीडियो को एंड तक दिखेगा ताकि आपको मैं फेस मास्क के बारे में बताऊं। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी ज्वाइन की है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। और मैंने आपसे एक हम रिक्वेस्ट भी यही करनी थी, काइंडली मैं एट अ टाइम इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकती। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि स्किन एक्सपर्ट मीरा खान के नाम से मेरा पेज है FB पे, आप वो ज्वाइन करें और उसके इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस सेंड किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को नाराज़ मत करूं और मैं फौरी रिप्लाई दूं, लेकिन सम टाइम यू नो कि बिजी रूटीन होती है, किसी टाइम आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसमें प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें, इस बात को अंडरस्टैंड किया करें। सेकेंडली ये कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आज की वीडियो में मुझे बहुत सारे बॉयज़ ने ये रिक्वेस्ट की थी, मैम हर वीडियो में गर्ल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है एंड ये सिर्फ फीमेल्स के लिए भी है, लेकिन मैं आज स्पेशली ये जो है बॉयज़ के लिए बता रही हूँ जिनकी स्किन बहुत डल हो चुकी है, कलर जो है वो भी डल हो गया हुआ है। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि मैम जब हम बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो जो हमारी बाजू है उसके टू कलर्स हो गए हैं, टू शेड हैं बाजू के। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करूँगी कि एक तो ये कि जैसे आप लोग हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स वियर करते हैं, उसका यह है कि आप फुल स्लीव्स की एक टी शर्ट रख लें बाइक में या बैग में डाल लें। अगर आप लोग कॉलेज वगैरह भी जाते हैं तो उसमें यह है कि जब आप लोग बाइक पर बैठते हैं, जब आप रोड पर जाते हैं तो आप जाते हुए वो शर्ट वियर कर लिया करें, तो उससे ये होगा कि ये जो आपका बाजू है जिसमें हाफ फेयर है और हाफ ब्लैक है, ये चीज़ आपको नहीं होगी। सेकेंडली जो मास्क मैं आपको स्किन के लिए बता रही हूँ, एक मैं आपको बाजू के लिए भी बताऊँगी जो कि आप लोग उस पर यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह विद इन वीक्स में आपको इसका रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये दो मास्क हैं, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपको मास्क बताऊंगी, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी हैं, ये घर में भी अवेलेबल होते हैं, ये आप अपनी सिस्टर से मॉम से भी कह सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है, जो चीज़ आपको चाहिए आप एक बॉल लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून बेसन के आपने ऐड करने हैं। उसके बाद उसके अंदर आपने 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है, और 1/2 टीस्पून आप वाटर ऐड कीजिएगा। उसके बाद आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा और ये आपने वीक में 4 डेज यूज़ करना है, बट यू विल नेवर यूज़ द सोप। अगर आप ये मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आपने सोप यूज़ नहीं करना, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो आपके ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्किन बहुत हार्ड है और उनके पिंपल्स हैं, ये अभी फेस कैसे मास्क काम करें, तो उसके लिए ये है कि आप योगर्ट जो होती है वो 2 टेबलस्पून ले लें, उसके अंदर 2 ड्रॉप रोज़ वाटर के ऐड करके आप वो भी डाल सकते हैं, वो आप लगा लें अपने फेस के ऊपर और तकरीबन 5 मिनट्स तक आप इस मास्क को रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से जो है अपने फेस को वॉश कर लिए, लेकिन आपने अपने फेस को रगड़ना नहीं है, जैसे टैप करते हैं आराम से वॉश करना है, कोई कॉटन का बॉल लेके डिप करके उससे ऐसे करके आप अपने फेस को ऐसे ऐसे करके आप उसको साफ कीजिए। लेकिन जैसे बाज़ बच्चे होते हैं वो बहुत ऐसे ऐसे करके रब से उसे बहुत हार्शली यूज़ कर रहे हैं, आपने वो नहीं करना, ठीक है। और जो आपकी बाजू है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हमारा जो कलर है वो ब्लैक पोर्शन है, जो ये वाला हाफ जो आपका जो होता है शर्ट का जिसमें आप वियर नहीं करते, उसके लिए आपको एक मास्क मैं बताऊंगी और वो आप यूज़ कीजिएगा, देखिएगा बहुत जल्दी आपको ये फ़र्क नज़र आएगा और आपकी स्किन फेयर होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपने ये करना है कि 1 टोमेटो लेना है, उसको आप ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है। 1 टोमेटो को ब्लेंड करने के साथ उसमें आपने 3 ड्रॉप जो है रोज़ वाटर के और 1 ड्रॉप आपने लेमन का डालना है, ठीक है। आप जब उसको ब्लेंड कर लेंगे, कॉटन के बॉल को उस सिरप के अंदर डिप करके इस पोर्शन के ऊपर आपने अप्लाई करना है और मिनिमम उसको 10 मिनट या 15 मिनट जो है आपने उसको लगा रहने देना अपनी बाजू पे। उसके बाद आपने उसको वॉश करना है, ये आपने डेली करना है, विद इन 7 डेज के अंदर आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अपनी फीडबैक में मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी जो बताया था कि प्लीज़ मुझे जो मेरा पेज है उस पर मुझे मैसेजेस किया करें, मुझे बहुत सारे ढेरों मैसेजेस होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको खुद रिप्लाई करूं, लेकिन सम टाइम नहीं हो तो उसमें आप नाराज़ मत हुआ करें,
क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे आप लोगों की बहुत केयर होती है, इसीलिए मैं गाहे बगाए अपने स्पेशल टाइम में आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो गर्ल्स के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, उसमें मैं आपको कम बजट में डिज़ाइनिंग का भी इन्फॉर्म करूँगी और काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी दुआओं में सब मुझे याद रखिएगा।